आज जिनकी मैं बात करूंगी पचास सालों का इनका रेसलिंग का करियर रहा और इस दौरान कोई भी ने हरा नहीं पाया इनका डर इस तरह से सताता था लोगों को कि कई सारे बड़े बड़े रेसलर्स जब सुनते थे कि ये रिंग में आने वाले हैं तो वो मैदान छोड़कर ही भाग जाया करते थे इंडिया में वो पैदा हुए थे और पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए थे ब्रूस ली इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानता था बात करेंगे द ग्रेट गामा की आज इन्हीं की लाइफ की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी द ग्रेट गामा का पूरा नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श बट बाईस मई 1978 को इनका जन्म एक कश्मीरी फैमिली में हुआ हालांकि इनकी फैमिली अमृतसर में रहा करती थी इनकी फैमिली रेसलिंग में ही थी पिता भी अच्छे खासे जाने-माने रेसलर थे यही कारण है कि बचपन से ही ग्रेट गामा जो है वो रेसलिंग किया करते थे इनफैक्ट 10 साल की उम्र में उन्होंने एक रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया इस कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया से 400 पहलवान शामिल हुए थे और काफी टफ एक्सरसाइजस इस कंपटीशन में थी गामा ने इस कंपटीशन में फिफ्टींथ पोजीशन सिक्योर की थी और गामा को इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया था क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया इसके बाद गामा ने और कड़ी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी इसी बीच पिता की भी डेथ हुई लेकिन उन्होंने अपने नाना और दूसरे अंकल्स के साथ अपनी एक्सरसाइज और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और 1875 में उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े रेसलर को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया तब लोगों को पता था कि द ग्रेट गामा ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो हारने वाले हैं क्योंकि रहीम बख्श जो कि तब इंडिया के सबसे बड़े चैंपियन थे वो ना सिर्फ गामा से बहुत ज्यादा पावरफुल थे बल्कि उनकी लंबाई भी गामा से बहुत ज्यादा थी वो सात फीट के थे वहीं गामा की हाइट 5.7 थी बस रहीम की एज थोड़ी ज्यादा थी इसके अलावा वो किसी भी चीज में गामा से कम नहीं थे इसीलिए माना जा रहा था कि गामा ने ये गलत पंगा ले लिया लेकिन गामा ने यह चैलेंज किया उन्होंने रहीम के साथ ये फाइट लड़ी और रिजल्ट रहा ड्रॉ यानी कि बराबरी की ये फाइट रही और ये गामा की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन रेसलर्स में उनकी पहचान और उनका नाम हो गया इसके बाद 1910 में गामा इंग्लैंड गए जहां पर वो इंटरनेशनल रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर उन्होंने अमेरिकन रेसलर बेंजामिन रोलर को एक मिनट 40 सेकंड में ही हरा दिया और यहां से वो बन गए वर्ल्ड चैंपियन गामा के डर से बड़े बड़े रेसलर्स जो हैं वो रिंग छोड़कर भाग जाते हैं इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी 1910 में ही गामा का कंपटीशन पोलैंड के रेसलर स्टेन्स लॉस जबेस्को के साथ हुआ था और इन दोनों के बीच जो पहला मैच था वो कुछ ठीक नहीं रहा इसके बाद एक री मैच रखा गया गामा तो वहां पर पहुंच गए लेकिन स्टेन्स लॉस वहां पर पहुंचे ही नहीं और तब पता चल गया कि गामा का कहर कितना ज्यादा है इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ जब बरोड़ा में गामा की एक रेसलिंग फाइट थी गामा उस इवेंट में पहुंचे लेकिन उस इवेंट में मौजूद बाकी रेसलर्स को जब पता चला कि यहाँ पर गामा के साथ फाइट करनी पड़ेगी तो कोई भी उनसे लड़ने के लिए ही नहीं आया वो अकेले ही रहे ऐसे में गामा ने ऐसे ही अपनी जगह नहीं छोड़ी वहां पर उन्होंने एक बारह किलो का पत्थर अपने सीने पर उठाया और फिर उसे नीचे रखा कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी पावर शो की इस पत्थर की हाइट 2.5 फीट है आज भी ये पत्थर बरोड़ा के म्यूजियम में रखा हुआ है ये पत्थर निशानी है ग्रेट गामा के ताकत की और जहां तक बात है ताकत की तो ग्रेट गामा को इतनी ताकत मिलती थी उनके एक्सरसाइज के रूटीन से और उनकी डाइट से ग्रेट गामा हर रोज अखाड़े में 40 पहलवानों के साथ प्रैक्टिस किया करते थे इसके अलावा वो डेली 5000 हजार बैठक और तीन तो हजार मुर्गे दो देसी चिकन 10 किलो दूध आधा किलो घी आधा किलो बादाम चार किलो फ्रूट्स और आधा किलो बटर अपनी डाइट में शामिल रखते थे पचास साल का करियर रहा ग्रेट गामा का और इस दौरान उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया उनकी स्ट्रेंथ को कोई मैच ही नहीं कर पाया ग्रेट गामा एक एक अच्छे रेसलर ही नहीं, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग भी थे इनफैक्ट पार्टीशन के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान में टेंशन हुई थी तब ग्रेट गामा जो है अमृतसर छोड़कर लाहौर में सेटल हो गए थे मोहिनी रोड जहां पर वो रहते थे उस कॉलोनी में कई सारे हिंदूज भी रहते थे और वहां पर जब हिंदुओं पर अटैक हुआ तो ना सिर्फ ग्रेट गामा ने उन हिंदुओं की जानें बचाई बल्कि उनको सेफली इंडिया भी पहुंचाया जो है ग्रेट गामा को अपना गुरु मानते थे उनके डाइट और उनके एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते थे वो उनकी इंस्पिरेशन थे ग्रेट गामा की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उनकी दो शादियां हुई थी इन शादियों से उन्हें नौ बच्चे हुए लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ रही वो काफी दुख भरी रही उनके कई ऐसे बच्चे रहे जिनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई और इन सब चीजों से ग्रेट गामा काफ़ी टूट गए थे रिटायर होने के बाद ग्रेट गामा ने अपने कुछ बिजनेस शुरू करने की कोशिश की जिसमें अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोली लेकिन उससे कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाया अंत तक ग्रेट गामा को पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज देती रही साथ ही पेंशन भी देती रही नाइनटीन में ग्रेट गामा की बहुत ही दर्दनाक तरीके से डेथ हो गई अक्यूट अर्थराइटिस से वो जूझ रहे थे और लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया जीते जी उन्हें कोई हरा नहीं पाया और मरने के बाद आज तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया उनके जैसा रेसलर ना कोई था और ना ही कोई हो पाया है यह कहानी इंडिया के और पाकिस्तान के उस ग्रेट हीरो द ग्रेट गामा की